मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को और धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे स्त्रीत्व का, हमारे नारीत्व का, हमारे ममत्व का जो सम्मान किया है और देश की आधी आबादी को इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से स्थान देने का प्रयास किया है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन है, बहुत साधुवाद है। नाम पर बात हो रही थी, इस बिल के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, और जब शुरुआत में सदन में इस पर चर्चा हुई तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वंदन शब्द पर आपत्ति हुई। ये कैसी भारत की परंपरा है? अरे भारत माता का तो हम हमेशा वंदन ही करते हैं, लेकिन कभी इंडिया का वंदन नहीं होता है, भारत माता का वंदन होता है। और जो लोग भारत माता का वंदन करते हैं वो वंदन शब्द की महत्ता को नहीं समझेंगे। हमारे भारत की परंपरा रही है कि हमारे यहां अगर हमने कभी पूर्व में भी किसी की आराधना की है तो उसमें हमने नारी को पूजा है। और भारत में अर्धनारीश्वर का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। ये बिल क्यों आया, ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, हमारी मंशा पे शक हो रहा है। मैं पूछती हूं कि भारत की आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद ये प्रश्न पहले खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज का भारत महत्वाकांक्षी भारत है, आज का भारत साहसिक भारत है, और इस साहसिक भारत में मुझे लगता है कि अमृत काल में हमने एक नई शुरुआत की है। चंद्रयान पर कल सदन में चर्चा हो रही थी, और जब सदन में चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी तो शिव शक्ति शब्द का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज एक सुखद संयोग है कि इस सुखद संयोग में शिव शक्ति के साथ 15 दिन के बाद वहां पर भी सूर्योदय हो रहा है। मुझे लगता है कि अमृत काल में यह सुखद संयोग शिव शक्ति का, जहां वहां पे सूर्योदय हो रहा है, भारत में भी यह सूर्योदय इस महिला शक्ति के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां पर भी शिव और शक्ति का ही उपयोग है, और मेरा मानना है कि शक्ति के जागरण के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। इसलिए आज मेरा यह प्रबल विश्वास हुआ है कि शक्ति के जागरण के साथ इस अमृत काल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा और इसके साथ ही साथ भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारी मंशा पे सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ और एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी, तब प्रधानमंत्री होते हुए उनके साथ में जो देश की सबसे मजबूत कमेटी है उसमें स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमन, माननीय राजनाथ जी और अरुण जेटली जी थे। सुषमा स्वराज जी के पास में विदेश मंत्रालय था, निर्मला सीतारमन जी के पास में रक्षा मंत्रालय था, अरुण जेटली जी के पास में वित्त मंत्रालय था और राजनाथ जी के पास में गृह मंत्रालय था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित्त पुरुष संभाल रहे हैं, रक्षा और विदेश महिलाएं संभाल रही हैं। यह एक सुखद संयोग था, यह इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमारी प्रतिभा का उपयोग किया, हम पर विश्वास किया, और इसलिए आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यहां पर लाया गया। पिछली बार यहां पर बहुत से विषय आए कि ये पारित क्यों नहीं हुआ, पिछली बार लोकसभा में आया, हमने 9 साल में क्यों नहीं लाया। मैं कहना चाहती हूं कि 9 साल में क्यों नहीं लाया इस पर करने की बजाय, आज तो उत्सव का दिन है, हम सबको उत्सव मनाना चाहिए, आज खुशी का दिन है, मनशा पे शक क्यों? आप सब यहां पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं,
आप सभी को ये बात पता है, इस मंशा पर शक इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, हर जगह पर राजनीति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर आप राजनीति कर रहे, प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और उस प्रक्रिया के साथ में जब हम उस बिल को आगे लाएंगे, तभी महिलाओं को आरक्षण बिल पर प्रावधान के तहत उन्हें उनका अधिकार मिल पाएगा। पूर्व में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित होते हुए उन्हें स्थान नहीं मिल पाया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। हर जगह की राजनीति भारत देश को बहुत पीछे ले जाती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी मंशा के साथ, बहुत साफ मंशा के साथ आज के इस उत्सव को मनाने का पूरी देश की आधी आबादी को अवसर दिया है। आज आपको जितनी भी गैलरी है, मैं कल से देख रही हूँ, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, देश की आधी आबादी हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है, ये हमको गौरव का अनुभव होता है। मैं इसलिए भी अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि इस गैलरी से वो महिलाएं सुनने आई हैं कि हमारे श्रेष्ठ जन क्या कहते हैं, हमारे प्रबुद्ध जन क्या कहते हैं। बहुत सारी योजनाओं का विषय नहीं कहती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना को लागू करने के पीछे बहुत मार्मिक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को मैं कहना चाहती हूँ, उस घटनाक्रम को कहना चाहती हूँ, जिन राज्यों में बेटी का जन्म होना अभी शाप माना जाता था, बिटिया अगर पैदा हुई तो जो पैदा करने वाली माँ है वो भी तनाव में रहती थी, घर परिवार के लोग भी रहते थे, और बिटिया पैदा हुई तो उस बिटिया को बड़े से दूध के हौदे में डाल दिया जाता था, वो बिटिया उस दूध के बड़े से हौदे में अंतिम सांसें गिनती थी, इस धरती पर आती जरूर थी लेकिन विदा कर दी जाती थी। लिंगानुपात बार बार बदल रहा था, बेटों की संख्या बढ़ती थी, बिटिया की संख्या गिट जाती थी, और जब बिटिया की संख्या गिरने लगी, लिंगानुपात असंतुलित होने लगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी और उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो हम आने वाले समय पर कहां खड़े होंगे। ये दूरदृष्टि इसके पहले कभी किसी ने नहीं करी। उन्होंने शुरुआत करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में मैं आपको गर्व के साथ इस बात को बताना चाहती हूं कि विश्व के आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में जो प्रकाशित हुई है, इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हमारा गौरव है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस लिंगानुपात को संतुलित करने का प्रयास किया, ये उसका गौरव है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस दूरदृष्टि के साथ इतनी छोटी सी बात जो लोगों को दिखाई नहीं देती थी उस पर इस अभियान के माध्यम से उन्होंने शुरुआत करी। बहुत सारी योजनाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, हमारे को प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम चीज़ें हुई, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम महिलाएं तो हमेशा से वंचित हैं। उस वंचित शोषित पीड़ित महिलाओं के साथ राजनीति कैसी। अरे हम तो रोज रोज अपनी योग्यता का प्रमाण देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री जी उस पर अवसर देते हैं तो बार बार उस पर राजनीति करके, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके, उनकी मंशा पर संदिग्ध विषयों को खड़ा करके जिस प्रकार का यहाँ पर दृश्य उपस्थित किया जाता है, मुझे लगता है ये बेहद सोचनीय है। हमारी प्रधानमंत्री जी आज की नारी को देवी बनाना नहीं चाहते, आज की नारी को दासी बनाना भी नहीं चाहते। आज वो चाहते हैं कि आज हमें एक मानवी के रूप में पहचान मिले, हम एक मानवी के रूप में अपना स्थान बनाएं, और इसलिए जब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज इस आरक्षण बिल के साथ ही एक नए उत्सव की शुरुआत होगी, देश में महिलाओं को अपना स्थान मिलेगा। और मेरा मानना है कि जब हम अपने स्थान की बात करते हैं तो इस अमृत काल में, भले उसका समय थोड़ा लंबा है, लेकिन इस अमृत काल में जो बिल पारित होगा
या आने वाले समय में उस व्यक्तित्व को सुशोभित करेगा जो इस सदन में आधी आबादी के तौर पर उपस्थित होगी। महिलाओं में बहुत ही धैर्य होता है और इस धैर्य के साथ वो आगे बढ़ती हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा और हमारे धैर्य की लगातार कई उस पर कहानियां हैं जो सत्य हैं, लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया। आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में मिले, इसका संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है। बहुत साफ मंशा के साथ में इस बिल को लाकर जनगणना के माध्यम से संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के तहत यहाँ पे हम इसे लागू करें, और मुझे लगता है कि इस उत्सव में पूरे देश के लोग शामिल हों, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक पल का मुझे साक्षी होने का गौरव मिला है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।